घरेलू नुस्खे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके गले में यदि मछली का कांटा फंस जाए, आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं और मछली खाने के भी शौकीन हैं, तो याद रखें यदि आपके गले में कांटा फंस जाए मछली का, तो उससे निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बचने के लिए हम आपको दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप इस समस्या से बहुत आसानी से अपने आप को और परिवार में किसी भी सदस्य को ऐसा हो जाए तो उसको भी आप आराम से बचा सकते हैं। दोस्तों, मछली खाना कई लोगों का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शौक होता है और कुछ लोग इसे फ्राई करके खाते हैं, कुछ करी बनाकर खाते हैं, जिस तरह भी जिसको मन पसंद आता है वैसे ही खा सकते हैं। मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन, प्रोटीन, वसा और ओमेगा 3 काफी मात्रा में पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए ये बहुत फायदेमंद भी है। इस बात में कोई शक नहीं कि मछली से बना कोई भी व्यंजन हो बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन मछली के अंदर कांटे होने की वजह से बहुत से लोग इसे खाने में डरते हैं और कतराते हैं और इससे परहेज भी करते हैं। दोस्तों, मछली खाते वक्त सबसे बड़ी समस्या इसके छोटे और बारीक कांटे होते हैं। खाते वक्त पता ही नहीं चलता कि कब इसका छोटा सा और बारीक सा कांटा गले में गया और अटक गया। अगर कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति पहली बार मछली खा रहा होता है तो उसको सावधान होने की ज्यादा जरूरत होती है। वैसे तो जब मछली का कांटा गले में फंसता है तो कुछ देर बाद अपने आप ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी यदि आपको घबराहट हो और ये लगे कि कांटा नहीं निकलेगा, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम आज आपको दो उपाय बताएंगे जिससे आप अपना कर बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और घर पर ही आप मछली के कांटे को गले से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय ये है कि यदि आपके घर में केला है या केला नहीं है तो बाहर से इमिडिएटली मंगवा लें। केला हर मौसम में अवेलेबल है, उपलब्ध होता है, किसी भी फ्रूट शॉप पर आपको केला मिल जाएगा। तो उसको, केले को छील लें और उसके छोटे छोटे 3-4 पीस बनाएं इस तरह से और उसको बिना चबाए ही ऐसे ही निकल जाएं, ठीक है। जितना बड़ा पीस आप एक्चुअली निकल सकते हैं उतना बड़ा पीस आप उसको तोड़कर इस तरह से बिना चबाए एकदम निकल जाएं। निकलने के बाद आपका कांटा खुद ब खुद इसके साथ निकल जाएगा। और दोस्तों, यदि एक बार से ना निकले, 2 या 3 बार 4 बार भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपका कांटा गले का इसी उपाय से निकल जाएगा। यदि फिर भी इससे ना निकल पाए तो दोस्तों, आप यदि मछली और चावल साथ में खा रहे हैं तो चावल का एक गोला सा बनाए, करीब इतना ही बड़ा, जिसे आप आसानी से निगल सकें बिना चबाए। तो इतना ही बड़ा एक चावल का गोला सा बनाएं और उस गोले को मुंह में रखकर बिना चबाए एकदम निगल जाएं, तो कांटा उससे निकल जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है। एक बार में ना निकले तो 2-3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, कांटा खुद ब खुद निकल जाएगा। या इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कांटा बहुत देर तक गले में रहता नहीं है, 2-3 घंटे में खुद ब खुद निकल जाता है, इसलिए घबराएं नहीं। घबराएं तो बिल्कुल नहीं, घबराना है तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे कोई जान का नुकसान तो नहीं है, जान तो इससे नहीं जाएगी, घबराने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि फिर भी इन दोनों उपाय को करने के बाद आपके गले से कांटा नहीं निकलता है तो बिना वक्त गवाए आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और इसको गले से कांटे को निकलवा लें। वैसे हमें उम्मीद है कि ये दोनों उपाय करेंगे आप तो आपका 100% गले में से कांटे को आप निकाल पाएंगे और इस मुसीबत से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये वीडियो और बताए गए आपको ये टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपाय के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। Take a body, call. Take a body's high.